नमस्कार, मैं हूं पत्रकार रिफत नसीम और आप देख रहे हैं रबजी लाइव। तेजस्वी यादव जदयू को बना रहे हैं बेवकूफ। जी हां, बिहार के बदले राजनीतिक हालात में उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर इशारों में तेजस्वी यादव की नीतियों की खोली पोल। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, जिन्हें भावी उप मुख्यमंत्री कहा जा रहा था, लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसी अटकलों को खारिज कर दिया है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, ये तो समय बताएगा। पर उन्होंने राजद नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर तेजस्वी यादव के खिलाफ एक बार फिर आक्रामक रुख कायम किया है। दरअसल नीतीश कुमार के खिलाफ राजद विधायकों में आक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। सुधाकर सिंह के बाद कई ऐसे विधायक हैं जो परोक्ष अपरोक्ष रूप से नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रहे हैं, लेकिन राजद नेतृत्व अपने विधायकों के आक्रोश को रोकने में या तो विफल है या फिर मौन समर्थन दे रहा है। तभी तो सुधाकर सिंह के बाद एक और विधायक ने नीतीश कुमार को तानाशाह बताते हुए सत्ता परिवर्तन की बात कही। तो शिवानंद तिवारी ने नीतीश के समाधान यात्रा पर तंज कसा। हालांकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने वाले अपने विधायकों को चेतावनी दी है और कहा है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में जेडीयू की तरफ से इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई है और अब तेजस्वी यादव को ही कटघरे में खड़ा किया गया है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को लपेटा है। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा है कि वे कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर रहे। सिर्फ बातें हो रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस तरह जेडीयू की तरफ से राजद के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कुशवाहा ने तेजस्वी यादव की नियत पर सवाल खड़ा किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमने राजद के एक और विधायक का बयान हमने देखा है। हम यही कहेंगे कि जिस पार्टी से विधायक जी आते हैं उस पार्टी को देखना चाहिए, क्योंकि इस तरह का बयान कहीं से उचित नहीं है। कुशवाहा ने कहा कि किसी भी दल में उस तरह का बयान हो तो ये उस दल के नेता को देखना चाहिए और हमारी अपेक्षा है कि राष्ट्रीय जनता दल का शीर्ष नेतृत्व इसे देखेगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बर्दाश्त करने लायक बयान नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि कार्रवाई तो उन्हीं को करना है, ऐसे में बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब तो उन्हीं को देना होगा, यानी कि एक तरफ राजद नेता नीतीश के खिलाफ हमलावर है तो दूसरी ओर जदयू नेता तेजस्वी पर हमलावर है। इससे बिहार में महागठबंधन का भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। बने रहें रबजी लाइव के साथ।